नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आपने न्यूज देखी हो या ना देखी हो, मेरा फर्ज है आपको बताना। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों के लिए 35% आरक्षण की बात की गई है। जो सीट निकलेंगी उसमें 35% जो सीट रहेंगी वो लड़कियों की रहेंगी। और आप ये न्यूज देख भी रहे हो, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि सीएम बोले सरकारी नौकरियों में 35% भर्तियां बेटियों ही करेंगी, बेटियों के करेंगी, ठीक है। और भोपाल में कहा सावन में सिलेंडर 450 रुपए का आएगा, सावन में। और बाकी का भादों क्वार काते का गान पूछ उसमें क्या हो जाएगा 1500 का। खैर, मुद्दे की बात करते हैं, जो 35% आरक्षण की बात की जा रही है उस पर। तो इससे पहले आपने देखा था कि पटवारी भर्ती में जो लड़कियां टॉपर हैं, मैं उन लड़कियों पर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूंगा, जो मेहनती है, जो मेहनत करने वाली हैं, वो बस यही चाहती हैं कि फेयर एग्जाम हो, अच्छी तरीके से एग्जाम हो। उन्हें आरक्षण जितना मिल रहा है उतना उनके लिए इनफ होता है मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। बाकी लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है, लड़कियां क्या सोचती हैं कमेंट में जरूर बताना कि 30% आरक्षण ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भर्तियां प्रॉपर तरीके से कब निकलेंगी। जितनी भी भर्तियां थी ऑलमोस्ट जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, एक हाथ बची होंगी जैसे कि एसआई होगी और बाकी का एएसआई होगी, इनमें जो है वो कमी फॉर्म भरे जाते हैं लड़कियों के द्वारा। और मोस्टली जो है वो लड़कियां ज्यादातर ये पुलिस वाली कम ही करती है नौकरी, मोस्टली देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है, आजकल ट्रेंड भी है करती भी है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। पर भर्तियां तो सारी निकल चुकी हैं, ये जो घोषणा है वो किस लिए है समझ में नहीं आता है। चुनावी साल है इसलिए है, चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं, 450 का सिलेंडर हो गया है, तो 1200 का सिलेंडर 450 में हो गया है और 30% आरक्षण हो गया। लेकिन 30% आरक्षण भाई काम कब आएगा, जब वैकेंसी निकलेंगी। और वैकेंसी निकलेंगी तो 35% वैकेंसी जो कोटा दिया जा रहा है उनका क्या अचार डालेंगे। ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो सरकार अपने चुनावी सालों में ही किस तरीके से उभर के आती है। देखिए, आगे की और जो खबर है मैं आपको बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को घोषणा करते हुए कहा पुलिस और बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें 35% भर्तियां आगे से बेटियों की होंगी, आगे से मतलब अभी आने वाली भर्तियां। आपकी कांस्टेबल की भर्तियां हो चुकी हैं, इससे पहले हो चुकी थी, अभी दूसरा भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। पटवारी की हो चुकी है, पटवारी में, हाँ पटवारी की मैं बात कर रहा था, तो पटवारी में आपने देखा कि जो लड़कियां टॉपर थी, ठीक है ना, उनको कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो ऐसे लोगों को अगर ऐसे लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं होगा, खैर वो तो 15 लाख देंगे नौकरी पाएंगे। और मामा अगर ये भी कह देते कि पटवारी में जो जांच चल रही है वो कहां तक पहुंची है, कितने लोग पकड़े गए हैं, जो पटवारी की जांच कमेटी बनाई है वो तो हमसे ही सबूत मांग रहे हैं कि लाइए आप सबूत दीजिए, क्या कैसे आप इल्जाम लगा रहे हो, जो भी हो फलाना ढिकाना, हर हर जिले में ये सब चीज चल रही है। तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये कमेटी कभी भी कोई भी होती है वो जांच करने वाली होती है, वो उन लोगों की जांच करती है जो नाम मोस्टली जो है वो उछलते हैं, ज्यादा सामने आते हैं, जैसे कि टॉप 10 की लिस्ट हो गई, ठीक है, दिव्यांग सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, उन लोगों की लिस्ट हो गई, ठीक है ना। इन लोगों की जांच होना चाहिए, इन लोगों के रिकॉर्ड निकाले जाना चाहिए। और आप देख भी सकते हो कि जो पटवारी में विकलांग था वो फॉरेस्ट गार्ड में सही भी हो गया, मतलब कोई विकलांग नहीं है। तो साफ साफ चीजें नजर आ रही है, फिर भी अनदेखा होता जा रहा है एक तरीके से। और मामा जी बड़ा बखान करते रहते हैं हर दिन, तो डेली तो उनके फेसबुक पेज पे, ट्विटर पेज पे लाडली बहना योजना चलती रहती है, एड चलते रहते हैं, ठीक है ना। 70% सैलरी की बात करते हैं, अगले साल जो है वो 100%। भाई इसी साल से 100% कर दूं ना, अगले साल से क्या होगा, ये तो आपके हाथ में है, ये इसमें तो कोई हाईकोर्ट का ऐसा कोई इश्यू है भी नहीं है, है ना। तो 70% क्यों, 100% अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो ज्वाइनिंग होगी जिन लोगों की वो उनके हाथ में कितनी आएगी, ज्यादा ज्यादा 15-16 हजार रुपए आएगी पुलिस कांस्टेबल की, जो लोग जॉब करेंगे 70% होगी, ओके। 30 हजार जिनकी सैलरी है 70% आप निकाल लो, 21 हजार ही मिलेगी आपको, बाकी के जो 9 हजार है वो कौन खाएगा।
खुद के पैसा मतलब जनता का पैसा ही जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है एक तरीके से। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, 35 महिलाओं की नियुक्ति करेंगे भोपाल में जमुरी मैदान में हुए लाडली बहना सम्मेलन में। देखिए ये लाडली बहना सम्मेलन यहाँ पर भी आ गया, 1000 रूपये देखिए माताओं बहनों को किस तरीके से जो है वो बहलाया फुसला जा रहा है, ताकि किसी भी हालत में जीतना है, बाकी के 5 साल तो हमें ही ऐंठना है एक तरीके से। इससे पहले 3-4 साल निकल गए, कोई कुछ नहीं था, ना कोई बिजली का, और बिजली का बिल भी बोला जा रहा है कि 0 आएगा। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थी सिर्फ इतना चाहता है कि एग्जाम प्रॉपर तरीके से हो, आगे आने वाली भर्तियों का कोई भी अपडेट नहीं है इनका, ठीक है ना। बस आरक्षण की बात करते हैं, सैलरी अगले साल 100% कर देंगे, पटवारी की जांच चल रही है, फॉरेस्ट गार्ड में 2-3 FIR हो गई, घोटाले सामने आ रहे हैं, इनका कोई भी कुछ भी पता नहीं। तो भाई 35% है, देखते हैं आने वाली, ये तो घोषणा की हुई है, अच्छी बात है, हो जाता है, लेकिन वैकेंसी निकाली जाए उसमें भी तो डिपेंड करता है कि कितनी आप वैकेंसी निकाल रहे हो। 1000 वैकेंसी निकाल रहे हो मान लो, ठीक है ना, 100-200 वैकेंसी निकाल रहे हो, 250 निकाल रहे हो, अभी ऐसा ही की है, ज्यादा से ज्यादा 500 निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं है। और आप यहां पर देखोगे ये न्यूज में, देखिए बहन है, बहनाओं को लगता है एक ही जैसी साड़ियां दे दी हैं सबको सबको एक जैसी साड़ियां दे दी गई हैं, और वो डांस कर रही हैं, 1000 रुपए में खुश हैं, ये सब चीजें जो है वो चल रही हैं, ठीक है। और एक मैंने एक वीडियो देखा था कि जो सीखो कमाओ योजना है, उसमें एक बंदे के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि उनको 8000 रुपए महीने मिलेंगे, 8000 और ग्रेजुएशन का 10000 ऐसा कुछ है। तो उनको क्या है कि उनको ले जाते हैं जहां रैलियां हो रही हैं, वहां पर जो है उनको उपस्थित कराया जाता ताकि भीड़ ज्यादा दिखे, बाकी काम माम में ऐसा कुछ नहीं है। कितने दिन चलेगा मुझे बताइए, सीखो कमाओ योजना में कितने दिन आप काट लोगे इन सब में, कुछ नहीं। आगे टाइम पे ये सब फेल होगा, पक्का फेल होगा, क्योंकि आप जब तक प्रॉपर भर्तियां नहीं निकालना चाहते, ठीक है, सरकारी जॉब देना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर आपको सैलरी देनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, तो ये सब चीजें कर रही हैं, विद्यार्थियों को एक तरीके से बेवकूफ सा बनाया जा रहा है। जो मान लो कि 18 से लेकर नहीं 29 तक जो सीखो कमाओ योजना है, जो लोग एज ऊपर हो चुकी है उनका क्या है, वो तो इतने सालों से सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी भी की उन्होंने, पेपर भी अच्छे नंबर लाए, उसमें भी घोटाला हो गया, तो ये सब चीजें जो है वो एक बहुत ही गलत चीज है विद्यार्थियों के लिए। माँ आपके जहन में भी आता होगा, बाकी आप लोग क्या सोचते हो, क्या मतलब इन सब चीजों में आप कैसा लगता है। खासकर मैं लड़कियों से पूछना चाहूंगा, जो 35% है, आपको ये 35% चाहिए या प्रॉपर तरीके से जॉब निकलनी चाहिए, अच्छी तरीके से भर्तियां होना चाहिए, ये चाहते हो आप, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे बाकी लोगों को जागरूक पता पड़े कि क्या चल रहा है आने वाले टाइम में, इसके बाद क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आने वाली जितने भी अपडेट है मध्य प्रदेश की भर्तियों से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।